वेलकम टू द मैच वॉरियर्स। आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, जो ये इंटरव्यू आज ले रहे हैं, जो हम लोगों की इंटरव्यू की सीरीज चल रही, पहला आपने देखा जो अश्विनी सर आपके क्लास ले रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा सचिन सर PASA, कल उनका कहीं ना कहीं सचिन जी का असिस्टेंट टीचर में कल जो भी नियुक्ति पत्र मिले हैं, अभी वो थोड़ा सा बिजी हैं, उनसे जल्द से जल्द उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमारे मित्र आज सचिन यादव जी, जो कि अभी असिस्टेंट टीचर हैं, ठीक है, और ये 68,500 की जो भर्ती हुई थी आपके अभी 18 में, ठीक है, तो इन्होंने 5 सितंबर को, आपने 5 सितंबर को ही ज्वाइन किया था शायद, है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर को इन्होंने ज्वाइन किया था। लगभग इनका जो कार्य हो चुका है वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर करते हुए, मतलब असिस्टेंट टीचर के पद के रूप में लगभग में ये 2 साल से ऊपर हो गया, ठीक है। तो हमने इनसे कहा कि कुछ जो अभी नए बच्चे हैं, जैसा कि अभी जो प्रेजेंट टाइम 2019 बैच, ठीक है, 18 बैच जो चल रहा है, उसके पहले 17 बैच पास आउट, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आगामी टीटी आने वाला है अभी 2020 का, COVID-19 की वजह से कहीं ना कहीं वो डिले हो गया, ठीक है। तो उसमें से बहुत से विद्यार्थी जो है 2015 आपका शायद 2014 बैच था सर का, तो उसके भी कुछ विद्यार्थी यार पास नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, कुछ जैसे मैथ ही उनका सब्जेक्ट कमजोर रहता, बहुत सब्जेक्ट कमजोर रहते हैं जिसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो पास नहीं कर पाते। तो उन विद्यार्थियों को पहली बात यार तैयारी में लग जाओ, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आप ये चीज ना सोचे कि यार अभी नहीं आ रहा, जब आ जाएगा तब हम पढ़ लेंगे। बहुत से बच्चे इस तरीके से सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। तो पहले तो मैं आपको अपना आप परिचय दे बच्चों को, आप नाम और किस तरीके से कौन से बैच से थे और किस तरीके से आपने पास किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी, थोड़ी सी आप बताएं अपनी। मेरा नाम सचिन यादव है और मैंने 2014 बैच से BTC किया था और मैं इस समय सहायक अध्यापक पद पर हूँ और मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो गए हैं। और जैसे ही मेरा 2014 BTC मेरा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद तुरंत ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि तुरंत ही वैकेंसी आई 68,500 और उस वैकेंसी के लिए कहीं लगी गोल्डन अपॉर्चुनिटी 2015 वाले तो हाँ उसमें यार, लेकिन पता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं 2015 वाले कहीं बैक के कारण ना, कोर्ट ने मना कर दिया और कहीं ना कहीं उन बच्चों का जब सिलेक्शन नहीं, वो थोड़ा सा यार डिमोटिवेटेड है। तो उनको आप मोटिवेट करने के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या लगे रहो कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अगर आपका BTC आपने किया है तो वैकेंसी तो आनी ही है और वैकेंसी अगर आई हुई है तो उसके लिए आप तैयारी करते रहिए। जैसे सुपर टेट का एग्जाम होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है, चुनाव लगे हैं यार, भर्ती भी आनी है। अभी कल किसी भी चैनल में मैंने देखा कि 92,000 मेरे भाई 92,000 नहीं है जी, लेकिन अगर 50-55 भी आते हैं, आप अपनी तैयारी रखिए। देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ, ये वैकेंसी मतलब नहीं रखती मेरे, पहली बात तो आप ही दिमाग से निकाल लें कि 60 आएगी तो हमारा, जैसे मेरी जो वैकेंसी हुई 68,500 वाली, उसमें केवल 45,000 से 46,000 कुल पद भरे गए, उसमें से लगभग 22,000 से 24,000 पद खाली रह गए और अभी 69,000 वैकेंसी अभी कंप्लीट मिला है, अभी करी ज्वाइनिंग लेटर उसका डिस्ट्रीब्यूशन था उसका कार्यक्रम, तो उसमें भी जो है वैकेंसी अभी 37,000-38,000 वैकेंसी जो है वो छूट गई है ना। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि दोनों वैकेंसी की जो छूटी हुई वैकेंसी जो अभी छूट गई है उनको मिलाकर, पहली बात तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर को रोक कर एक बात बोलना चाहूंगा, जो बच्चे फेसबुक पर बैठ कर ये चीज वगैरह, भर्ती कब आएगी, भर्ती मेरे भाई आपकी तैयारी कितनी, पहले तो आप अपने आप को मान लीजिए एकदम भर्ती है, आपका कोई जादू नहीं पढ़ाई। देखिए एक मैं आपको बात बता दूं, इस समय जो कोरोना का टाइम रहा, आपने भी देखा सर, हमने भी देखा कि किस तरीके से बच्चे जो है सरकारी नौकरी के प्रति, और क्योंकि सिक्योरिटी है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी, प्राइवेट में आपको सिक्योरिटी, बीटेक का बंदा मेरे भाई BTC करके इधर आ रहा, कंपटीशन टिपिकल हो रहा। मैंने डाइट से BTC किया और मेरी डाइट में 150 बच्चे थे, 150 लोगों ने सर BTC किया और उस बैच में 150 में लगभग 50% बच्चे ऐसे थे जो बीटेक किए हुए। अरे बताइए आप, देखिएगा कि बीटेक करा बंदा इधर आ रहा, अब उस यार किसी को आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, अपने आप कहीं ना कहीं बीटेक करने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी मेरिट अच्छी थी, इसकी वजह से उन्हें BTC पर डायरेक्शन से बनते रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है आपकी। तो ये आप लोग यार अपनी तैयारी करें, फेसबुक और ये जो आप इनको यूज करें अच्छे वे में यूज करें, ज्यादा मतलब आप इस तरीके की नहीं कि आप बिल्कुल भर्ती कब आएगी कब तभी हम पढ़ेंगे TT कब होगा, मतलब नहीं है सर उस चीज का। आप तैयारी लगातार अपनी करते रहिए। आप सर अपना बताएं सर, जैसे आप BTC कर रहे थे, जैसे 2019 बैच के बच्चे कुछ 18 बैच की BEd कर रहे हैं, ठीक है, या 19 बैच के
उनकी जैसे बी एड चल रही है बीटी से, तो पता है क्या रहता है, मैंने जो देखा है अपना कि यार उसी टाइम पेपर पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए सेमेस्टर की परीक्षा में या ईयरली पेपर बी एड में होता, तो क्या उसी टाइम पेपर पढ़ने से क्या क्या दिखाना चाहते हैं, परसेंटेज लाके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं, उस चीज का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना, नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि बीटीसी का जो कोर्स होता है जी जी जी, तो उसका जो कोर्स काफी कुछ जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी होता है ना, बहुत सारे उसका कोर्स ऐसा होता है जो आपका टेट में या सामाजिक विषय हो गया है ना, मैथ होगी, मैथ पूरी आती है सारा सब्जेक्ट है ना, जो हम लोग बीटीसी में पढ़ते हैं, तो जो हमारा टेट या सुपर टेट का जो एग्जाम होना है आगे आने वाले दिनों में, तो उनमें आप मान के चलिए कि बीटीसी का आपका, अगर आपने बीटीसी को थोड़ा अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको काफी कुछ उसमें रिलैक्स मिल जाएगा, मतलब आपको स्पेशली उस चीज के लिए तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, तो चाइल्ड साइकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में शायद साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है चाइल्ड साइकोलॉजी में, इनका महत्व जो जिन लोगों ने एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम से पहले बीटीसी में चाइल्ड साइकोलॉजी साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा है तो उनके लिए वो बहुत प्लस पॉइंट रहता है, उन्हें उसमें बहुत ज्यादा। सर एक बहुत बड़ी मैंने कॉमन जो सबके साथ दिक्कत देख रहा हूँ कि मैथ की यार प्रॉब्लम होती है, क्या आपके कॉलेज में जो आपका फ्रेंड सर्कल मैथ का था लड़कियों के साथ ज्यादा था, क्या रहता है क्यों नहीं, कहीं ना कहीं वो बायोलॉजी बैकग्राउंड या बीए या इस तरीके से जो आर्ट साइड से आर्ट साइड का रहता है तो उनको मैथ्स में प्रॉब्लम रहती है, लड़कियों को ही नहीं इवन लड़कों को भी प्रॉब्लम आती है जी जी जी। तो वो जो एग्जाम होता है बीटीसी का, तो उसमें जो टीटी में यार मेरे भाई कितने नंबर का आता है, मैं 20 से 25 नंबर का रहता है, 20 से 25 नंबर का रहता है, आप उसका बेटे समझिए 150 में से मेरे भाई 30 नंबर की आती है, ठीक है, टीटी क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो 30 नंबर का 1/5, 30/150 मतलब 1/5 मेरे भाई, समझना कॉन्सेप्ट, तो 20%। और ये जो नंबर होते हैं सर मैथ आपने जब दिया होगा आपके पूरे होंगे, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं यार फ्रेंड सर्किल में पढ़ते थे, आप हमसे पूछ लेते थे, हम अश्विनी सर से इंग्लिश पूछ लेते थे, आप भी पूछ लेते थे, हम लोग कहीं ना कहीं एक साथ रहते थे, तो आप ये बताएं जो अभी ये लड़के जो फ्रेंड सर्किल कैसा होना चाहिए। अब फ्रेंड सर्कल की बात ऐसी है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ता है बिना सीधा कि आपके ज्वाइनिंग में या आपके सिलेक्शन होने में फ्रेंड सर्कल का क्या महत्व, टीचर का तो रहता ही है ना, फ्रेंड सर्कल का इफेक्ट जरूर रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट की आप तैयारी किसी भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो आप उसमें मान के चलिए कि 4 से 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मैथ्स और इंग्लिश वगैरह लगभग कंपलसरी ही रहता है, तो कोई भी सब्जेक्ट आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्रेंड सर्कल में ऐसा होता है कि किसी बंदे का बैठते थे और बिल्कुल जो नहीं, तो जो भी था कि हम लोग आपस में बैठते थे, ग्रुप डिस्कशन होता था, बात रही ना, जो आप लोग बहुत पबजी खेल रहे हो ना, ठीक है, आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा, तो थोड़े दिन साल 1.5 साल मेरे भाई पीछे रख दो, है ना, हम लोग कभी गेम के चक्कर में पड़े हैं, मौज मस्ती करो यार, मना नहीं है, देखो मौज मस्ती में कभी मना नहीं, ना सर मना, कोई नहीं मना, जिस टाइम पे आप तैयारी कर रहे हैं ये क्रूशियल टाइम है हम लोगों का, साल 2 साल जो भी है, जैसा कि आपने एक बार हमसे बात बोली जब आप पढ़ते थे फोन शायद बंद कर देते, बड़ी बात थी, आजकल के बंदे जो है फोन बंद ही नहीं करते हैं, उसमें मैसेज आया उसी में चलेगी दिमाग, बहुत बड़ा जो है साइड इफेक्ट है इस मोबाइल का, है ना, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग यार पढ़ाई पर ध्यान दें, और जो आगामी टीटी आने वाला है, ठीक है, पहली बात तो यार इस चैनल पर क्लासेस चालू हो चुकी है मैथ्स के लिए, मैं खुद ही क्लास ले रहा हूँ, तो परसेंटेज और ये सब डल चुका है, आप देखते रहे, और आप टीटी का जैसे भी नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, ना टीटी का और ना वैकेंसी का, ये आप दो बातें दिमाग से अभी से लग जाए, मैथ कोई छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, आप बताइए कितना ब्रॉड है, और टीटी में आपने देखो एडवांस का भी लेवल अच्छा आता है, क्योंकि एसएससी में अच्छा खासा पूछा जाता है, यहाँ पर भी देखिए, अब पिछली बार पेपर में शायद समलम चतुर्भुज पूछ दिया क्वेश्चन आया, हाँ आया था, ठीक है, 1/2 जो डिफरेंस वाला रहता है, और बच्चों को पता ही नहीं बोली ये कहा, देखिए मेरे भाई धीरे धीरे मैं बता दूं सर आपको, अगर आपने तैयारी नहीं करी है उस चीज की, मैथ्स में आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, तो आप मार्क्स गेन नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई सब्जेक्ट आपका 100% नंबर रहेगा, अफेक्टेड रहेगा, और आप जो है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और पहली बात सर जब आपने दी थी शायद बीएड नहीं था,
जब बीएड नहीं था जी, अब बीएड भाई भी आ गए हैं, ठीक है, अब सबको लेके चलना। अब ये ना सोचिए कि बीएड आ गया तो हमारा होगा, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब अपने, ठीक है। बीएड वाले आ गए तो कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया, लेवल बढ़ गया, बीएड वालों के आने से कंपटीशन बिल्कुल बढ़ गया यार, क्योंकि वो बंदा कंपटीशन से जुड़ा है। और बीटीसी वाले बेचारे बीएससी ग्रेजुएशन किया तो इधर आ गए, है ना, तो ये कहीं ना कहीं समस्या रह गई। तो आप लोग लग जाए एकदम जो जिसे टीटी आ रहा था उस पर लग जाए, ठीक है। अब जैसे सर की मैं बात करूं, सुपर टीटी आपने थ्योरी में दिया, हाँ, मेरा तो जो सुपर टेट हुआ था वो थ्योरेटिकल था, उसमें मुझे रिटर्न पूरा लिख के बना सकते थे, ठीक जी। फिर उसके बाद आप क्या प्रक्रिया है, आपकी ज्वाइनिंग कितने दिन में हुई, और जब सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो उससे पहले ही मैंने, ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरा और उसके बाद जो है फिर तुरंत ही तैयारी चालू करी, तैयारी नहीं लगी, आप जब पढ़ रहे होंगे तभी से आप पीछे ले, पहले से ही उस चीज की तैयारी कर, आप पहले की थ्योरी की भी करी या टीटी का ऑप्शनल पेपर होता है और उसका आपका थ्योरेटिकल हुआ, आज तो दोनों को भी करी, हां ऑप्शनल पेपर और थ्योरेटिकल पेपर काफी डिफरेंस रहता है, बिल्कुल। मैंने टेट मल्टीपल चॉइस में दिया और वो सुपर टेट मेरा थ्योरेटिकल हुआ, लेकिन आज के टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ जो सुपर टेट एग्जाम हो रहा है वो भी मल्टीपल चॉइस में आ रहा है, तो अगर आप जैसे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप थोड़ा सा आप एग्जाम में लिखिए, आपको जैसे आपका ईटीसी एग्जाम में वहां क्या कर सकते हैं, लेकिन साइड में आप थोड़ी सा समय निकाल के, इतनी अच्छी सुविधा है नेट हर ऑनलाइन पे, कहीं कोचिंग आने के लिए जरूरी नहीं, बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है टीटी के नाम पे, आपने देखा हो, आपने कहीं कोचिंग किया मुझे बताइए, नहीं मैंने कहीं कोचिंग नहीं करी सर, क्या जरूरत थी, इतना टफ है क्या, इतना भी टफ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप भी कहीं ना कहीं कोचिंग है ऑनलाइन पढ़ लेते, जब आपको नहीं समझ कोई चीज नहीं आ रही है तो ऑनलाइन में देख लेता, आप क्यों अपना टाइम जो कोचिंग जाके 8,000-20,000 रुपए क्यों दे रहे हो मेरे भाई, है ना, तो उस चीज को समझे आप लोग, तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, चैनल से जुड़े और आप लग जाए, देखिएगा आपका इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली धीरे धीरे होगा, जिनकी बिल्कुल कमजोर भी होगी ना उनको भी, मैं देखो पहली बात तो यार ट्रिक से पढ़ाता हूँ, बट आप भी ट्रिक से ट्रिक के विरोधी ही रहे, ट्रिक का कोई काम है, लेकिन बच्चे मैं देखता हूँ ट्रिक का बड़ा यार आजकल जमाना चल रहा है, ट्रिक का कोई मतलब नहीं, ट्रिक का क्या मतलब, आप एक क्वेश्चन में ट्रिक एप्लीकेबल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक है हाँ घुमा देगा तो फिर घूम जाएंगे, इसीलिए मेरे भाई मैं हमेशा, आप कभी भी मेरी क्लास देखिएगा तो आप देखेंगे कॉन्सेप्ट में बात करता, ट्रिक की कभी मैंने बात ही नहीं की, ट्रिक पता है कहाँ से निकली, कॉन्सेप्ट से ही निकली जी, कोई भी ट्रिक बनी है वो तो वहीं से निकली है ना, तो आप थोड़ा सा साइड पे चले। और अब मैं आप सर आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आप सुपर टीटी हैं उसमें 15 सब्जेक्ट रहते हैं, 15 से 16 सब्जेक्ट रहते हैं, अब उसमें संस्कृत भी रहती है, सब कुछ रहता, लेकिन मेरे भाई मैं तो वहां पर भी 20 नंबर की, फिर सोच लो उसमें नंबर 20, मैथ है, इंग्लिश आपके सुनी सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एसएससी की लेवल पढ़ा, लेकिन वो पढ़िए या कुछ कठिन नहीं पढ़ा, पहली बात आपकी बात है, जब उस लेवल का पढ़ेंगे तब आप उस लेवल पे जाके कर पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, क्योंकि अब गिरा वगैरह आज की डेट में उतना आसान नहीं आ रहा जितना आसान नहीं आ रहा है भाई, जब भीड़ बढ़ जाएगी तो कहीं ना कहीं जो पेपर सेट कर रहे हैं वो अच्छा सेट करेंगे यार, अच्छा सेट करेंगे, अब शिक्षा मित्र भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे भाई कम होते जा रहे हैं, उनको भी ध्यान में नहीं रखा जाएगा, और आप देख रहे हैं कटाप कितनी भी, जबकि आपके तो 40-45 पर हुआ, इस बार 60-65 पे गया, क्या पता अगली बार बढ़ जाए 70-75 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो भाई भीड़ जब ज्यादा होगी तो क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, उन्हें पद इतने लेने तो वो कटाप बढ़ा सकते, तो मेरे भाई आप लोग लग जाएं, ठीक है। सर का 2 साल से ऊपर हो चुके, आप बताइएगा कि नौकरी में क्या कोई समस्या है या कोई, आप स्टडी भी कर रहे हैं, मैंने सर को देखा कि साइड में अपना स्टडी भी कर लेते हैं, तो टाइम इतना अच्छा आपका बच जाता है सुबह शाम, आप टीचिंग की जॉब में सबसे प्लस पॉइंट मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर आप आगे किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की, बीपीसीएस की, सीएम की, या कोई भी एग्जाम की करना चाहते हैं जी, तो बिल्कुल आप उसमें आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, स्कूल की टाइमिंग 8 से 1 रहती है, तो आप 1 बजे के बाद घर में आकर के अपना गर्मी रहती है, सर्दियों में उसे 3 हो जाती है, फिर भी आप कितना भी है 3 से 4 घंटा टाइम डेली आप स्टडी में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, करते रहिएगा यार स्टडी भी जरूरी, जब आप पढ़ेंगे तो जीवन में मजा आएगा ना, पढ़ाई से दूर हो जाएंगे फिर मजा नहीं आएगा, अभी आपको लग रहा है ना, और आप विद्यार्थी रहना पड़ेगा जो क्या चल रहा है सिस्टम में, है ना, इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सर जैसे कि अब आखिरी में शब्दों को विराम देता हूँ यहीं पर, ठीक है, ये मैं बोलना चाहूंगा कि आप जो टीटी आने वाला है, ठीक, और जो सुपर टीटी आने वाला है, तो बच्चे किस तरीके से जुड़ जाए, बच्चों किस तरीके से पढ़ाई निरंतर अपनी करें, तो उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दीजिएगा अपने शब्दों में,
किस तरीके से? मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी आप ये ना सोचें कि जब एग्जाम आएगा या फॉर्म अप्लाई होगा उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करें। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें और मैथ्स की इंग्लिश की जितने भी जो भी सब्जेक्ट हैं आप देख सकते हैं सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो उसकी आप प्रिपरेशन करते रहें, धीरे धीरे कहीं ना कहीं पढ़ते रहें। और अगर आपने बीटीसी किया है तो आप साइकोलॉजी वगैरह सारा सब कुछ पढ़ के आए हैं और धीरे से तैयारी करते रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। सर से अगर जैसे आज यार ये तो कहीं ना कहीं हमसे मिल रहे हैं तो मैंने कहा सर एक वीडियो बन जाए, है ना? जी बिल्कुल। हमने कहा तो सर बोले बिल्कुल यार क्यों नहीं, क्योंकि भाई जिस चीज से सिलेक्टेड है तो उस चीज में उनको ज्यादा पता है, ठीक है। तो सर से आगे चलकर अगर कभी हमारी जो है मुलाकात होती है या आएंगे अभी जो इन्हें जाना है तो मैं टीटी का जो भी है आपका पहला तो मैं खुद बता दूंगा, मेरे खुद ही 121 है नंबर, ऐसा नहीं है आपको मैं जब टीटी का आएगा मैं सब बता दूंगा या सचिन राठौर सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका, तो इशू है नहीं अपने पास है, ऐसा नहीं। सर आएंगे तो सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा आप इसके विषय में बताएं और अपने टीचर की जो जॉब प्रोफाइल है पूरा क्या कैसा क्या सिस्टम रहता है, जैसे अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके बारे में बताएं, कितने दिन की ट्रेनिंग रहती है, सीनियरिटी जूनियरिटी क्या होती है, वो सब सर अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ, ठीक है।